मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप भारत के सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में से एक है और इसे और खास बनाता है यहाँ के खतरनाक रास्ते, जहाँ एक पल में आपको 6-6 फुट ऊंची बर्फ की दीवारें देखने को मिलेगी, वहीं थोड़ी देर में वो रास्ते इतने पतले हो जाएंगे कि आपकी दो पल के लिए सांसें थम सी जाएंगी। तो इस वीडियो में आज हम आपको मनाली से लेह लद्दाख के वर्चुअल टूर पे लेके चलेंगे और रास्ते में कौन कौन सी जगहें आप क्रॉस करने वाले हैं उनकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि वर्चुअल टूर के साथ साथ हम इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे कि यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और वहाँ जाने के लिए कहाँ कहाँ परमिट्स लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। मनाली से लेह सिटी का डिस्टेंस 427 किलोमीटर्स के आसपास है और इस डिस्टेंस को आप किसी भी चीज़ बाइक या फिर गाड़ी में आराम से पूरा कर सकते हैं। एक प्रश्न जो बहुत से लोग हमसे अक्सर पूछते हैं, क्या हमारी बाइक या फिर गाड़ी लेह लद्दाख जाएगी, तो उसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि लेह लद्दाख का रोड ट्रिप आप किसी भी गाड़ी या फिर बाइक में आराम से कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई जगह रोड बहुत ही ख़राब होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होगा। बाकी लेह लद्दाख के लिए आप किसी भी गाड़ी या फिर बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ट्रिप के फर्स्ट डे आप मनाली से जिस्पा तक का सफ़र तय कर सकते हैं, जो मनाली से लगभग 92 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है और जिस्पा में आपको बहुत से कॉटेजेस और होम स्टेज मिल जाएंगे जिनका रेंट अराउंड 800-1000 रुपीस रहता है और जिसको तीन लोग शेयर कर सकते हैं। हमने भी अपने ट्रिप के फर्स्ट डे जिस्पा में स्टे किया था और जिस्पा में स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप दारचा होते हुए बारालाचाला पास की ओर बढ़ सकते हैं। जिस्पा से बारालाचाला पास पहुंचने के लिए लगभग आपको 2 घंटे लग जाएंगे और ट्रिप के सेकंड डे आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होगा और जब आप बारालाचाला पास पहुंच जाएंगे तो आपको वहां ज़्यादा देर नहीं बितानी है, क्योंकि आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि वहां आप 5 या 10 मिनट से ज़्यादा ना बिताएं। तो अगर हम बात कर लें बेस्ट टाइम की, तो मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप आप जून महीने से लेके सितंबर मंथ तक कभी भी प्लान कर सकते हैं। बस बीच में आपको मॉनसून का थोड़ा ध्यान रखना होगा और विंटर्स में वैसे भी ये रोड बंद हो जाता है, तो अक्टूबर से मार्च तक आप इस रोड ट्रिप को नहीं प्लान कर सकते। हमने पर्सनली ये रोड ट्रिप जून महीने में कंप्लीट किया था और उस टाइम इस रोड ट्रिप का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पासेस जैसे कि बारालाचाला नकीला में आपको बहुत सी स्नो देखने को मिल जाएगी जो बाकी मंथ्स में लगभग पिघल सी जाती है। बारालाचाला पास से 32 किलोमीटर के सफर के बाद आप फाइनली पहुंच जाएंगे सरचू, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख और हिमाचल के बीच में बॉर्डर है, जहां पे आपको अपनी गाड़ी का नंबर और नंबर ऑफ पीपल भी रजिस्टर कराना पड़ेगा और साथ ही सरचू में आप चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। सरचू में आधे घंटे की ब्रेक के बाद आप अपने सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं और सरचू के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां पे आपको खाना वगैरह मिलेगा वो पांग होगी, जो लगभग सरचू से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। एक और चीज़ जो बहुत से लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि लेह लद्दाख के लिए कैसे कपड़े ले जाने चाहिए। एक चीज़ ये है कि लेह लद्दाख साल भर ठंडा रहता है, तो जब भी आप मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान करें तो अपने साथ सर्दियों के बहुत से कपड़े लेके जाएं और साथ ही सनस्क्रीन को भी ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ की धूप बहुत तेज होती है। सरचू से पांग तक का रास्ता इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होगा और साथ ही सरचू से पांग तक के रास्ते के बीच में आप द फेमस गाटा लूप्स को भी क्रॉस करेंगे, जो एक बहुत ही खूबसूरत क्रिस क्रॉस रोड है माउंटेन टॉप के ऊपर और जिसका एंड नकीला पास पे होता है।
तो अगर हम बात कर लें परमिट्स की, तो मनाली से लेह तक के लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती। पहले जब रोहतांग पास होके जाना होता था तो रोहतांग पास परमिट लगता था, लेकिन अटल टनल बनने के बाद अब आपको कोई भी परमिट नहीं चाहिए। और अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है और फिर भी आप मनाली से लेह का रोड ट्रिप करना चाहते हैं, तो आप HRTC की मनाली लेह हाईवे बस ले सकते हैं, जिसका किराया अराउंड 600 रुपीज़ रहता है और जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और अगर आप इस रोड ट्रिप को रेंटेड बाइक्स पे करना चाहते हैं, तो आप मनाली, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से बाइक रेंट पे लेके भी इस ट्रिप को कर सकते हैं, और रेंटेड बाइक्स का किराया 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक वेरी करता है, और वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी बाइक पे इस रोड ट्रिप को करना चाहते हैं। सरचू से लगभग 2 से 3 घंटे के सफर के बाद आप फाइनली नकीला पास पहुंच जाएंगे। अभी आप अपने सामने नकीला पास देख रहे हैं। हमने नकीला पास में लगभग सिर्फ 5 मिनट बिताए और उसके बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी। नकीला पास से 1.5 घंटे के सफर के बाद हम एक और माउंटेन पास पे पहुंचे, जिसका नाम लाचुंगला था, जो कि 16,616 फीट की हाइट पे सिचुएटेड है। अगर आप मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप पहली बार कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन के इस रोड ट्रिप में आप हिमालयस के 6 सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस क्रॉस करने वाले हैं। और इस रोड ट्रिप में लैंडस्केप हर 20 किलोमीटर में बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जब कहीं आप नदी के पास ड्राइव कर रहे होंगे, तो थोड़ी ही देर में रेत के बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने होंगे। मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप आप लगभग 10 दिन का प्लान कर सकते हैं, जिसमें मनाली से लेह पहुंचने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे। फर्स्ट डे आप जिस्पा रुक सकते हैं और सेकेंड डे जिस्पा से आप लेह डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहते, तो जिस्पा के बाद सेकेंड डे आप पांग में रुक सकते हैं और थर्ड डे फिर आप पांग से लेह पहुंच सकते हैं। लेह पहुंचने के बाद आप 4 से 6 दिन अपनी लोकल साइटसीइंग के लिए रख सकते हैं। लाचुंगला से पांग तक का रास्ता बहुत ही खराब है, तो आपको 21 किलोमीटर के लिए लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा। हम लोगों ने अपनी जर्नी जिस्पा से लगभग सुबह 6 बजे शुरू कर दी थी, इसलिए हम बहुत ही जल्दी लगभग दिन को 1 बजे पांग पहुंच गए। अगर आप लोग पांग 4-5 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो ये हमारा आपको सजेशन होगा कि उस रात आप यहीं रुक सकते हैं, क्योंकि पांग में आपको खाने के अलावा सोने के लिए टेंट हाउसेस भी मिल जाएंगे, और जिसका किराया लगभग 200 से 300 रुपये पर बेड के आसपास होता है। पांग में लंच करने के बाद हमने ले के लिए अपनी जर्नी सेम डे पे ही कंटिन्यू कर दी। पांग से लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप फाइनली द फेमस मोरे प्लेन्स पहुंच जाएंगे। जहां थोड़ी देर पहले आप पहाड़ों के बीच में ड्राइव कर रहे थे, वहीं आप खुले मैदानों के बीच में बिल्कुल सीधे रोड पे ड्राइव कर रहे होंगे, और यही चीज़ लेह लद्दाख के रोड ट्रिप को सबसे अलग बनाती है। मोरे प्लेन्स का स्ट्रेच लगभग 30 किलोमीटर्स के आसपास है, और इसमें ड्राइव करने का आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग मोरे प्लेन्स के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर द फेमस चांगतंग प्लेट्यू लाए करता है, जिसके बारे में आपने अक्सर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज या फिर वीडियोस देखी होंगी। मोरे प्लेन्स को क्रॉस करके फाइनली आप मनाली ले रोड ट्रिप के लास्ट सबसे ऊंचे पास को क्रॉस करेंगे, जिसका नाम तंगलंगला पास है। तंगलंगला की एलिवेशन सी लेवल से लगभग 17,582 फीट के आसपास है। तो अगर हम बात कर ले मनाली से लेह लद्दाख के रोड ट्रिप के बजट की, तो आपको 25,000 से 30,000 रुपये स्पेयर रख के चलना होगा, जिसमें 10 से 12 दिन के स्टे के लिए आपको 10 से 12 हज़ार रुपये स्पेयर रखने होंगे, और अगर आप 2 लोग या फिर 3 लोग हैं, तो वो भी स्प्लिट हो जाएगा। 6 से 7 हज़ार रुपये आपको फूड के लिए एलोकेट करने होंगे, और साथ ही
पेट्रोल या फिर डीजल के लिए भी आपको 8,000 से 9,000 रुपये का अलग से एलोकेशन करना पड़ेगा। और जहां तक रही परमिट्स की खर्चे की बात, तो आपको मनाली से लेह तक कोई भी परमिट नहीं खरीदना होगा। और जहां लेह में पहले घूमने के लिए आपको नुब्रा पेंगोंग के लिए परमिट्स लेने पड़ते थे, वही अब वो परमिट्स भी नहीं रहे। तो अब आपको मनाली से लेह और लेह लोकल साइट सीइंग के लिए कोई भी परमिट नहीं चाहिए। तंगलंगला से लेह के लिए लगभग आपको 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा और फाइनली आप द लैंड ऑफ हाई पासिस लेह लद्दाख में पहुंच जाएंगे। लेह लद्दाख पहुंच के 1-2 दिन आप लेह की लोकल जगहें घूम सकते हैं, जैसे कि लेह माल रोड, शांति स्तूपा, ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से एक्लमटाइज कर सकें। लेह लद्दाख में रुकने के लिए हमने पर्सनली चुना था सांगे लेह पैलेस होटल को, जो लेह टाउन के बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। और अगर आप लोग भी लेह का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये होटल हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के साथ साथ लॉन फैसिलिटी भी आप लोगों को मिल जाती है। और साथ ही सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण आप सारी लोकल ट्रैवल लोकेशंस इस होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पे कवर कर सकते हैं। और साथ ही अच्छे डिस्काउंट के लिए आप हमारा रेफरल भी यूज़ कर सकते हैं। 1-2 दिन लोकल साइट सीइंग करने के बाद आप द फेमस खारदुंगला पास को भी विजिट कर सकते हैं, जो वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड में आता है। उमिंगला पास बनने से पहले खारदुंगला पास ही वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास था, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पे आ गया है। लेकिन इसे विजिट करने का थ्रिल आज भी उतना ही है। खारदुंगला पास क्रॉस करने के बाद आप द फेमस नुब्रा वैली विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डबल हम्प कैमल देखने को मिलेंगे। और नुब्रा वैली को एक्सप्लोर करने के बाद आप द फेमस पेंगोंग लेक को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आज भी आपको 3 इडियट का वो करीना कपूर वाला स्कूटर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आप लेह में मैग्नेटिक हिल, सोमोरेई लेक और बहुत सी लोकल मोनेस्ट्रीज भी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मनाली से लेह लद्दाख रोड ट्रिप का हमारा खूबसूरत सा वर्चुअल टूर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर अभी भी आपके मन में मनाली से लेह लद्दाख के रोड ट्रिप को लेके कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करेंगे।